हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्रकार बनाएंगे, पूरी डिटेल्स बताएंगे, पूरी प्रोसेस करके आपको बताएंगे कि जो है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप बिहार में कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे इसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप कैसे बनाएंगे। तो एक्चुअली इसके बारे में पूरी डिटेल्स पहले जान लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको जन्म प्रमाण पत्र बनता है। जन्म प्रमाण पत्र जो है किसी व्यक्ति का पहला प्रमाण पत्र होता है जिसमें उसका नाम, तिथि, समय और जन्म का पता लिखा होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति का नाम, आयु और पता क्या है। इस वजह से यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति के सभी दस्तावेजों को बनाने और स्कूल में जो है प्रवेश दिलाने में मदद करता है बर्थ सर्टिफिकेट। अब चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। देखिए, अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में होता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा सरकारी जो है हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको जो है सरकारी अस्पताल द्वारा ही जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म घर पर या किसी निजी अस्पताल में होता है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत जो है होती है। अब इसके बारे में ये डिटेल जान लेते हैं कि देखिए, अगर इसके लिए यदि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आप अपनी पंचायत के सचिव या आंगनवाड़ी सेविका से मिलकर, या नगर पंचायत में आते हैं तो नगर पालिका के अधिकारी से मिलकर बहुत ही आसानी से जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपकी शिशु का उम्र 21 दिन के अंदर होना चाहिए तो आपको आसानी से जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनता है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जो इसका मेन वेबसाइट है जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग डायरेक्टली जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन का जो वो होता है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको फिलअप करके जो है जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको ऑनलाइन करने पड़ते हैं। बात कर लेते हैं ऑनलाइन में जब हम करेंगे जन्म प्रमाण पत्र तो उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहले तो बच्चे का नाम चाहिए, माता का आधार कार्ड लगेगा, पिता का आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, बच्चे का जन्म होने का तिथि, समय और जगह यहाँ पे देना होगा, आपके लोकल जनप्रतिनिधि का प्रमाणित प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। और देखिए, यहाँ पे किसी भी उम्र का व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता की लापरवाही के कारण बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। यदि बच्चे के स्कूल प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में समस्याएं होती हैं। तब ऐसे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफी जो है परेशानियों की सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की जो उम्र से ज्यादा हो जाती है, अगर अपने बच्चे का उम्र 21 दिन से ज्यादा हो गया है तो आपके बिहार ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने की फिलहाल कोई साधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं दी गई है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका उम्र कई दिन से लेकर अधिक कितने भी साल का हो गया है आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर अपना जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं। अगर 21 दिन के बाद आप बना रहे तो आपको ऑफलाइन जो है प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ 100 रुपये का एफिडेविट को अपने कचहरी से खरीद ले। फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लेंगे, अपने लोकल जनप्रतिनिधि से हस्ताक्षर और मुहर करवाने पड़ेंगे आपको, अपने ब्लॉक 1 RTPS काउंटर पे जमा करना होगा, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। यह प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएंगे। किसी भी उम्र का व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र कागजात क्या लगेंगे, तो आवेदक का उम्र प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड हो गया या लोकल जनप्रतिनिधि का प्रमाणित प्रमाण पत्र चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड,
जन्म प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म, 100 रुपये की एफिडेविट, वार्ड सदस्य का मोहर और हस्ताक्षर चाहिए, मुखिया का मोहर और हस्ताक्षर चाहिए, आंगनवाड़ी सेविका का मोहर और हस्ताक्षर चाहिए, खोजी शुल्क पंचायत सचिव के द्वारा आपको चाहिए। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं, अगर इतना प्रोसेस करने के बाद जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो है आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और क्या आपने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है हमें जरूरत होती है। बात कर लेते हैं डेथ सर्टिफिकेट की। तो देखिए, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का अंतिम प्रमाण पत्र होता है, जिसमें उसका नाम, पता, मृत्यु का समय, तिथि के साथ मृत्यु का कारण भी लिखा रहता है, जिससे साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रयोग मृत व्यक्ति के बैंक में जमा राशि और किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। ठीक है, तो व्यक्ति के मृत्यु के होने के 21 दिन के अंदर अपने लोकल जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव या नगर पालिका को रिपोर्ट कर देना है, उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया जाएगा उस। ठीक है, 21 दिन के अंदर आपको ये सब प्रक्रिया फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी रिपोर्ट करके मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो इसका मेन वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना पड़ेगा। वहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और ये ध्यान रखिएगा कि 21 दिन के अंदर रिपोर्ट करना आपको जरूरी होता है। सबसे पहले जो इसका लिंक है उस सेक्शन में जाएंगे, वहां पे जन्म एंड मृत्यु रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। जनरल पब्लिक यूजर पे जाएंगे, वहां पे आपको पूरा जो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म खुल जाएंगी, वहां पे पूरा फिलअप जो जो भी डिटेल्स मांगती हैं वहां पे आपको डालने हैं, और उसके बाद आप जो है ऑनलाइन करके जो है डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, मृत व्यक्ति का आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट, चाहे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मृत्यु का कारण चाहिए, आपके लोकल जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देने पड़ेंगे। इस तरह से आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रक्रिया से आप बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और आपने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लाइव जो है रजिस्ट्रेशन करके आपको बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने का पूरा लाइव प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कैसे प्रक्रिया हमें करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।